वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी आशीष सर। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास नाइन्थ का वो चैप्टर है मोशन। और मोशन में भी हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक्स के आज हम स्टडी करने वाले हैं अपने मोशन चैप्टर के सीरीज में, उस टॉपिक्स में से बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही वैल्यूएबल चीज है, वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आज हम लोग इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डिस्टेंस टाइम के डेटा को हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनका पूरा का पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आज आपको हमारे वीडियोस में देखने को मिलेगा, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल वे में। और ये आपको देखने के बाद इन ग्राफ से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आई थिंक आपको अब नहीं बचेगा। तो इन सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को प्रॉपरली समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर चैनल से आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो आइए देखते हैं अपने टॉपिक को। तो हमारा जो टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दो तरह के रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो रिप्रेजेंटेशन है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहला जो रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेकेंड नंबर है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, सबसे पहले अभी हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है और कैसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हर सिचुएशन को इसके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने से पहले एक चीज बहुत ही जरूरी है समझना। अक्सर इस चीज को समझे बिना हम जब ग्राफ बनाना शुरू करते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि ग्राफ जब हम बना रहे हैं दो क्वांटिटी का, वहां पर हम कंपैरिजन करते हैं एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस में। इतना सभी को पता होगा कि जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारे यहाँ पर बेसिकली दो एक्सिस होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्स एक्सिस, ये एक्स का निगेटिव हो गया, एंड दिस इज वाई एक्सिस और ये वाई का हमारा निगेटिव पॉइंट हो गया। जहां पर दोनों मीट करता है दिस पॉइंट इज नॉन एज ऑरिजिन। ओके, दिस इज एक्स एक्सिस। हम लोग एक्स एक्सिस को बेसिकली एब्सिसा के नाम से भी जानते हैं, ये आपको पता होगा, और वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट करते हैं। एब्सिसा एंड वाई एक्सिस इज ऑर्डिनेट, और दोनों को मिलाकर के जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू इज ऑलवेज एक्स एंड सेकेंड वैल्यू इज ऑलवेज वाई इन द ब्रैकेट, एंड कंबाइंडली इट इज नॉन एज कोऑर्डिनेट। तो हम लोग यहां पर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मींस किसी भी दो वैल्यू को कंपेयर करते हुए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका कोऑर्डिनेट हम रिप्रेजेंट करते हैं और यहां पर वैल्यूज रिस्पेक्टिवली हम लोग शो करते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या हम कोई भी वैल्यू एक्स एक्सिस और कोई भी वैल्यू वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। लेकिन एक बात का यहां पर ध्यान रखना है कि जब भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो किसी भी दो क्वांटिटी का, तो ऑलवेज अकॉर्डिंग टू रूल या ज्यादा सुटेबल तरीके से अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस में ऑलवेज ऑन द एक्स एक्सिस वी रिप्रेजेंट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। एक्स एक्सिस में हम हमेशा किसी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स ऑलवेज एक डिपेंडेंट क्वांटिटी। y एक्सिस हमेशा एक डिपेंडेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वांटिटी आपको समझ में आ रही होगी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी दैट मींस दोस क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, वो अपने तरीके से चल रहा है। फॉर एग्जांपल टाइम, टाइम इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और डिपेंडेंट क्वांटिटी किसे कहेंगे? जिसकी वैल्यू, जिसकी कैलकुलेशन किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, किसी दूसरे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसका कैलकुलेशन वैरी करता है, किसी दूसरे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसका कैलकुलेशन में वेरिएशन अगर हो रहा है, देन दिस क्वांटिटी इज नॉन एज डिपेंडेंट क्वांटिटी। ओके, तो हम लोग यहां पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो तरह के क्वांटिटी देखते हैं। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी जो है, जो किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, वो ऑलवेज वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट होगा, और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो ऑलवेज एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट होगा, ये ध्यान रखना है। ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं एक्स एक्सिस
ऑलवेज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस ऑलवेज डिपेंडेंट क्वांटिटी। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर ये ध्यान में रहा तो रिप्रेजेंटेशन में कभी गलती नहीं होगी, कोई मिस्टेक होने की संभावना नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए आते हैं स्पेशली हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में कि कौन कौन सा सिचुएशन से डिस्टेंस टाइम ग्राफ में और उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक सबसे कह सकते हैं कि अच्छा मेथड है, जिसमें एक बार में पूरे के पूरे डाटा का एनालिसिस हम आसानी से कर सकते हैं। इसलिए किसी भी डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि ग्राफ के माध्यम से आसानी से उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, उसके परफॉर्मेंस को समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो फर्स्ट सिचुएशन है, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी अगर रेस्ट में है तो उस समय उसका ग्राफ कैसा होगा, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। हेयर इज ऑरिजिन एंड एज आई हैव सेड एक्स एक्सिस ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड टाइम इज इन time is represented on x-axis in second and distance is on y-axis in meter. Okay, let us suppose from the reference point body is situated at a distance of just suppose 5-10 meter. Body is located at a distance of 10 meter from its reference point and after 5 second it remains on 10 meter. After 10 seconds, it remains on 10 meter. After 15 seconds, it remains on 10 meter. After 20 seconds, it remains at 10 meter. After 25 seconds, it remains at 10 meter. That means there is no change in position takes place of this body. In this situation, we can say that body is at rest. In this situation, slope or gradient will be slope or gradient will be parallel to time axis. इसका slope और gradient जो है वो time axis का always parallel होगा, और time axis के parallel अगर आपको कहीं भी graph दिख जाए वो भी distance time graph, तो आप समझ लेना कि body rest में है, body में कहीं कोई motion नहीं हो रहा है। बहुत ही simple है, आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। Situation number two दोस्तों, ध्यान देना, when body is in uniform motion. Uniform motion का definition तो आपको याद ही होगा। Uniform motion that means a motion in which body covers equal distance in equal interval of time. जब कोई body equal interval of time में equal distance travel करता है तो उस समय उसकी जो motion है उसे हम uniform motion कहेंगे। तो body अगर uniform motion में है तो उसका graph कैसा होगा, तो उसका graph हमारा x axis, here is y axis, ऑरिजिन, और एक्स एक्सिस में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को इन सेकेंड, और वाई एक्सिस में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्टेंस को। वाई एक्सिस में डिस्टेंस रिप्रेजेंट किया जा रहा है इन मीटर। ओके, अब इस सिचुएशन में अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसका स्लोप, इसका जो ग्राफ होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन इट शोज ए स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट स्लोप, ए स्ट्रेट ग्रेडियंट। इफ स्लोप रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन, passing through origin, then its motion is uniform. इसका motion क्या होगा दोस्तों, motion हमारा uniform होगा।
ओके एक और बात यहाँ ध्यान देने की है कि जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप इस लाइन को हम स्लोप करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो ऑलवेज स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स यहां पर स्पीड क्या है, कॉन्स्टेंट है, स्पीड इज कॉन्स्टेंट, हेयर स्पीड इज जीरो। ओके यहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप टाइम एक्सिस के अगर पैरेलल जाना है तो स्पीड जीरो होगा। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा टाइम एक्सिस और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बिल्कुल बीचों बीच से एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि स्पीड जो है बॉडी की कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके तो ये दो सिचुएशन थे। इसके बाद तीसरा सिचुएशन हम लोग देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। थर्ड सिचुएशन हम लोग अभी तुरंत देखेंगे। थर्ड सिचुएशन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन है हमारा सबसे फर्स्ट, अभी तक हमने देखा कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में थी, बॉडी रेस्ट में थी। व्हेन बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो बॉडी की वेलोसिटी, बॉडी का स्पीड क्या होगा, उसका ग्राफ कैसा होगा, ये हम लोग यहां समझेंगे। तो बॉडी अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो दोस्तों नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि वो बॉडी इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं कर रहा है। अगर हम टाइम इंटरवल यहां पर इक्वल लेते हैं तो उसका डिस्टेंस अनइक्वल होगा, या अगर डिस्टेंस आप इक्वल लेते हो तो टाइम इंटरवल अनइक्वल होगा। दोनों में से कोई ना कोई एक क्वांटिटी अनइक्वल होगा, या तो टाइम का गैप अनइक्वल होगा तो डिस्टेंस इक्वल लेंगे, या अगर टाइम गैप आप इक्वल ले रहे हैं तो डिस्टेंस हम अनइक्वल लेंगे। जनरली हम लोग टाइम गैप इक्वल लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस की कैलकुलेशन करते हैं, बिकॉज टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और डिस्टेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसलिए वेरिएशन ऑलवेज डिपेंडेंट क्वांटिटी में होगा, डिस्टेंस में होगा। वेरिएशन हम लोग टाइम में नहीं लेते हैं, वेरिएशन हम लोग टाइम में इक्वल लेकर के चलते हैं। ओके तो हम लोग देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास दो केसेस देखने को मिलते हैं। नंबर वन व्हेन बॉडी हैज इंक्रीजिंग स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स यहां दोनों केसेस पॉसिबल है, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हो सकता है बॉडी की स्पीड इंक्रीज कर रही हो सकता है बॉडी की स्पीड डिक्रीज कर रही हो, दो केसेस यहां पर पॉसिबल है। तो दोनों केसेस का ग्राफ हम सेपरेटली यहां पर देखेंगे। तो नंबर वन व्हेन बॉडी हैज इंक्रीजिंग स्पीड, बॉडी का स्पीड जो है वो इंक्रीजिंग है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। ओके तो इस समय उसका ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो इस समय उसके ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार होगा। हेयर इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस टाइम इन सेकेंड, दिस इज ऑरिजिन एंड हेयर इज डिस्टेंस इन मीटर। आप यूनिट कुछ भी ले सकते हैं जो क्वेश्चन में दिया, जरूरी नहीं है ऐसा यूनिट मैं ले रहा हूं मीटर और सेकंड, ये ऐसा यूनिट है दोनों का, इसलिए मैंने ऐसा यूनिट में कैलकुलेट किया है, बट आप यूनिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया है आप ले सकते हो। अगर बॉडी का स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो इसका ग्राफ कैसा जाएगा, अगर बॉडी का स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, ये कर्व होगा, इट रिप्रेजेंट ए कर्व ग्रोइंग अपवर्ड, ये कर्व होगा जो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, आप कैलकुलेशन यहां देख सकते हो, 20, 25, हियर इज 5, 10, 15, 20, 25, 30, आप देख सकते हो कि शुरू के फर्स्ट 5 सेकेंड में बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो कितना था, फर्स्ट 5 सेकेंड में बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल जस्ट 2 मीटर था। ओके नेक्स्ट 5 सेकेंड में बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, बढ़ गया, ये 7 मीटर हो गया, यहां पर गैप 2 मीटर का था, अब यहां सीधा 5 मीटर बढ़ गया। नेक्स्ट 5 सेकेंड में बॉडी का जो डिस्टेंस ट्रेवल का गैप है वो आप देखो कहां जा रहा है, ये लगातार राइज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो डिस्टेंस ट्रेवल का जो इसका रेशियो है वो रेशियो लगातार राइज करता हुआ दिख रहा है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी की स्पीड टाइम के साथ साथ बढ़ रही है। यहां फर्स्ट 5 सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, नेक्स्ट 5 सेकंड में ये 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, नेक्स्ट 5 सेकंड में ये सीधा
13 मीटर पर पहुंच गया, उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकंड में ये सीधा 25 मीटर पे पहुंच गया। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो गैप है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी स्पीड लगातार इंक्रीज हो रही है। ओके, अब आते हैं इसका दूसरा सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन, व्हेन बॉडी हैज डिक्रीजिंग स्पीड। व्हेन बॉडी हैज डिक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड, बॉडी की स्पीड अगर डिक्रीज कर रही है तो इसका ग्राफ कैसा होगा? तो इसका भी ग्राफ दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आप इसको आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हियर इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, टाइम, डिस्टेंस। ओके, अब यहां पर इसका ग्राफ कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, और एक सिचुएशन आएगी जब ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाएगा, और जहां ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस हुआ तो जैसा कि आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होने पे बॉडी रेस्ट में चला गया, ठीक है। तो बॉडी की स्पीड पहले हाई थी, गाड़ी में ब्रेक लगाया गया और धीरे 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 वो गाड़ी स्लो होना शुरू हो गई, और स्लो होते होते एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब वो फुल्ली स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि बॉडी की स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बॉडी की स्पीड डिक्रीज हो रही है, दैट मींस बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो है वो लगातार कम होता जा रहा है। तो हम कहेंगे कि इसका जो स्लोप या ग्रेडियंट है वो स्लोप या ग्रेडियंट एक कर्व होगा जो डाउनवर्ड शो करेगा, और इसका जो स्लोप या ग्रेडियंट है वो कर्व होगा वो अपवर्ड शो करेगा, ठीक है। इट्स स्लोप और ग्रेडियंट शोज a curve in upward direction, upward direction में, ठीक है। और इसमें क्या होगा, its slope represent a curve in downward direction, वो धीरे धीरे डाउनवर्ड हो रहा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को रिप्रेजेंट करूंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आज हम लोगों ने पढ़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो उस वीडियो को भी प्रॉपरली समझने और देखने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों।